हम बनाएंगे बच्चों के फेवरेट नमक पारी जबलपुर वाले स्टाइल में। रेसिपी फुल वॉच कीजिए, इसके बाद ही रिजल्ट दीजिए। तो रेसिपी शुरू करें क्या? हमने 200 ग्राम मैदे को छान करके यूज किया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। एक छोटी चम्मच मगरेल डालेंगे, जिसे कलौंजी भी कहते हैं, और एक छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आप मसालों के साथ रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, पर हमने रेड चिली पाउडर बाद में ऐड किया है, वीडियो में आगे देखिएगा। अगर मीठी चीज़ें बनाते हैं तो मोयन घी का डालना चाहिए, और अगर नमकीन चीज़ें बनाते हैं तो रिफाइंड ऑयल हम 1/4 हिस्सा ही डालेंगे। ऑयल को स्पून से मिक्स करेंगे, इसके बाद हाथों से मिक्स करते हुए हम अच्छे से बाइंडिंग चेक करेंगे। मैदे में जब अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें डो बनाना स्टार्ट कर देना है। नमक पारे बनाने के लिए मैदे का टाइट वाला डो बनाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके डो बना रहे हैं। अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो हमारा मैदा गीला हो जाएगा, इसे नमक पारे अच्छे नहीं बन पाते हैं। चैनल में नए हैं तो इंडियंस किचन क्वीन को सब्सक्राइब कर लेना, और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे भी लाइक और शेयर कर देना, पर कमेंट बॉक्स में कमेंट ही कीजिएगा। आप कुछ पूछना या बताना चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमक पारे के लिए टाइट वाला डो हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। 5-7 मिनट इसे सेट होने के लिए रख देना है, इसके बाद ही हम नमक पारे बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने मैदे वाला जो डो बनाया है उसे 2-3 टुकड़ों में काटेंगे और चकले पर मसल करके एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़े का साइज आप अपने चकले के हिसाब से बना सकते हैं। चकले पर रखकर इसे बेलना स्टार्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि आप गोल ही रोटी बनाएं, आपसे जैसी भी बनती है आप इसकी रोटी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने रोटी को बना करके तैयार कर लिया है। नमक पारे की मोटाई का साइज हमें 1-1.5 इंच ही रखना है। रोटी को नाइफ से कट लगाते हैं तो हमें 1-1 अंगुल की सभी पट्टियों को काट लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बड़ी पट्टियां तो हमने काट ली हैं, पर इनके भी 2-3 पीस और काट लेते हैं। आप छोटे साइज में भी नमक पारे काट करके तैयार कर सकते हैं, पर मुझे नमक पारे का साइज यही पसंद आता है, तो मैंने सभी नमक पारों को इसी प्रकार काट करके तैयार किया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मेरे नमक पारे तैयार हो गए हैं, इन्हें सेंकना है। तो गैस को ऑन कीजिए, रिफाइंड ऑयल डालकर उसमें गरम कर लीजिए। रिफाइंड ऑयल जब गरम हो जाए तो हाई फ्लेम में ही नमक पारों को सेकिएगा। नमक पारों को ऑयल में डालते समय जल्दबाजी ना कीजिएगा, बहुत ही सावधानी से इनको ऑयल में डालना है। 2-3 सेकेंड जब नमक पारे सिक जाएं, इसके बाद ही आपको नमक पारे को पलटना स्टार्ट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नमक पारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पर आके हमें 1-2 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम को लो कर देना है, इसके बाद ही नमक पारे निकालना है। हम इस तरीके से नमक पारों को बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। 1-2 सेकंड हो चुके हैं, हमें नमक पारों को निकाल लेना है। तैयार है क्रिस्पी नमक पारे, इनको और भी स्पाइसी बनाना है। एक बॉल में नमक पारों को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा मन नमक सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो मिक्स कर लेते हैं।